और अपोजिशन के बाद तहरीक इंसाफ के हम ख्याल अरकान भी मुतहरिक हो गए हैं। लाहौर में गजनफर अब्बास छीना की जेर सदारत पीटीआई हम ख्याल अरकान का अजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक अजलास में तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एक जानब जहाँ अपोजिशन मुतहरक दिखाई देती है, वहीं पर हम ख्याल अरकान भी इन एक्शन है। लाहौर में गजनफर अब्बास छीना की जेर सदारत पीटीआई हम ख्याल अरकान का अजलास हुआ है। अली अकबर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली बताएगा अजलास में कौन कौन से अहम रहनुमा शरीक थे, क्या बातें हुई? बिल्कुल, ये 15 रुकनी अराकीन असम्बली का 15 रुकनी जो है ये ग्रुप है जिसे हम ख्याल का नाम दिया गया है। इस ग्रुप का अहम तरीन इजलास जो है वो आज लाहौर में हुआ है, जिसमें से 11 जो है वो इस इजलास में शरीक हुए, जबकि बाकी अराकीन असम्बली वीडियो लिंक के जरिए जो है वो शरीक हुए। इजलास में जो है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर जो है तबादला ख्याल किया गया। उसके साथ साथ तरीके अदम इतमाद की जो बातें की जा रही हैं अपोजिशन की जानब से, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और 15 के 15 अराकीन असम्बली की जानब से मौजूदा जो बलदियाती सिस्टम है उसके ऊपर तफजात का इजहार किया गया और जो फैसला किया गया है कि आइंदा इजलास से कबल जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान सरदार को अपने तफजात से आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर अपडेट करने के लिए।